क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में बेटा हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए कि हमें एक ना इस बार बोला है कि क्वाड्रिलेटर लगी, देखिए बेटा क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर इसको अपन नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है ए बी सी डी, और ये कह रहा है कि इसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल ए सी और इसका जो डायगनल है बेटा दूसरा वाला बी डी, बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है बेटा यहाँ पे कि लेट अ क्वाड्रिलेटरल, लेट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास उसका नाम क्या है ए बी सी डी, ठीक है, इन विच डायगनल्स ए सी एंड बी डी bisect each other at 90 degree, इतना दिया है। इसका मतलब बता देता हूं कि आपको AO OC के बराबर, OB OD के बराबर एंड एंगल AOB 90 degree। अभी बेटा AOB 90 है तो उसके वर्टिकली अपोजिट COD है वो भी 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर लगाओगे तो BOC भी 90 हो जाएगा, फिर BOC के वर्टिकली अपोजिट AOD है वो भी 90 हो जाएगा, मतलब सब के सब वो सेंटर पे बनने वाले सारे एंगल कितने हैं 90 के, ठीक है। अभी टू प्रूव, जो यहां हमें प्रूव करना है वो हमें गौर से देखना बच्चों, टू प्रूव, प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। अब देखो हमें ABCD इनिशियली क्वाड्रिलेटर दिया, किसी भी क्वाड्रिलेटर को रोम्बस प्रूव करने के लिए वी नीड टू थिंग, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड द सेकंड थिंग उसके एडजेसेंट साइड्स यानी ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम पहले तो क्या करेंगे ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे और हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो मैंने देखा बेटा यहाँ पे देखो प्रूफ में अपन अगर इजिली देखें तो हम एक चीज तो बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, बस गौर से देखना, ठीक है। हमें ऑलरेडी दिया ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि क्या भाई AO जो है वो OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है। मैं पूछूं या कोई भी पूछ ले आपसे क्यों, तो ये गिवन है, तो ये गिवन है। और एक चीज आप बोल दोगे सर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, COD इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों सर ये भी गिवन है, ठीक है। ऐसे एंगल POC भी 90 हो जाएगा और एंगल AOD भी 90, सारे 90 सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या COD बाय साइड, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कोई दिक्कत, तो बाय सीपीसीटी। अब गौर से देखना बेटा सीपीसीटी से मैं अगर बोलूं कि एंगल आप देखते जाओ ओ ए बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला, ठीक है। जिसको क्लियरली नहीं दिख रहा है मैं मार्क कर देता हूं, आप सबको दिख रहा है ये ओ ए बी एंड दिस इज ओ सी डी, ये इक्वल आ गए सीपीसीटी से। अगर बेटा हम गौर से देखें ना इनको, थोड़ा गौर से देखें तो हमें ये भी पता चलेगा कि अल्टरनेट है, अल्टरनेट भी तो ना जेड बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे ऑल्सो, ऑल्सो एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस, फॉर्म्ड बाय द लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी विद ट्रांसवर्सल, विद ट्रांसवर्सल ठीक है, ट्रांसवर्सल कौन सी है ए सी, ठीक। अच्छा एक सीपीसीटी से आप एक चीज और प्रूव कर सकते थे, पता है क्या, ए बी इक्वल टू सी डी भी प्रूव कर सकते थे, कर सकते थे ना, ए बी इक्वल टू सी डी भी प्रूव कर सकते थे, देखना ए बी सी डी प्रूव हो जाता कि नहीं होता,
होता ना, तो अपन ए बी इक्वल टू सी डी भी प्रूव कर सकते। तो बहुत, इससे तो बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अपन एंड बाई सी पी सी टी से ही, अगेन बाई सी पी सी टी से ही हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी भी हो जाएगा, ए बी हमारा सी डी के बराबर भी हो जाएगा। और हमने बोल ही दिया कि ओ ए बी और ओ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे जो कि हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो देयर फॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी। फिर याद करो थ्योरम 8.8, थ्योरम 8.8 क्या कहती थी कि जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो पेयर ऑफ साइड पैरेलल है अगर वही इक्वल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता था, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप लिखना कि सिंस अ क्वाड्रिलेटरल, सिंस अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इज इक्वल एंड पैरेलल, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब बेटा जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें भी कोई भी दो ट्राइंगल लेकर और दो करस एडजेसेंट साइड्स क्या कर देनी, इक्वल प्रूव करनी है। तो अब देखना मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, गौर से समझना, बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चले कहाँ चले, तो आप देखो गौर से, मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी दिख रहा है बेटा, एंड ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी भी दिख रहा है ना, कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं, देखो ए ओ बी सी ओ बी है दोनों ना, डबल लाइन के ऊपर नीचे वाले। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो गिवन ही है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, गिवन में लिखा हुआ है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। देखो दूसरी चीज क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है बेटा, कॉमन, ओ बी ओ बी क्या है, कॉमन, और एंगल ए ओ बी तीसरा देख रहे हैं आप, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी हमने गिवन में सारे एंगल 90 प्रूव कर रखे हैं, गिवन ही है, गिवन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय किससे, पहले साइड ली फिर एंगल लिया फिर साइड ली, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए बी सी डी पहले हमारा क्या था, पैरेललोग्राम तो हो ही चुका है, तो आप देख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, दैट इज पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज पैरेलल, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या आ गई, पैरेलल आ गई, नहीं इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल, सॉरी, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। जब किसी भी पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती है तो वो रोम्बस हो जाता है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो ए बी सी डी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। सॉरी बेटा, इसमें ना सी पी सी टी से अपन गलत लिख के आए हैं, तो यहाँ पे सॉरी, इसमें ना एक स्टेप मिस हो गया मेरे से, एक ना बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी हम बोल देंगे ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के, और ए बी बी सी के बराबर है, यानी अब एडजेसेंट साइड है, अदरवाइज अपोजिट बन रही थी, ए बी बी सी के बराबर है, यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, रोम्बस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है, गौर से समझना आप लोग, कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है कि ना, क्वेश्चन नंबर फोर, अच्छा एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे ना एक गलती की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ना, इस वाले स्टेप में जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, तो आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी है सी पी सी टी से, और ए बी बी सी दोनों एडजेसेंट साइड है, इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर ये कहता है कि ना, आपके पास एक रोम्बस स्क्वायर है,
यू हैव अ स्क्वायर, ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर, ए बी सी डी नाम दे दिया इसको भी, हमें ये दिया है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर है, कि लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर। अब हमसे ये कहता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल एक तो होगा ए सी, एक डायगोनल बेटा ए सी हो गया, और दूसरा डायगोनल हमारा हो जाएगा बी डी, दूसरा डायगोनल अपना क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है, दूसरा डायगोनल अपना कौन सा हो जाएगा बी डी, और इसके डायगोनल्स को अपन इंटरसेक्ट करा रहे हैं ओ पे, अभी इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो लेट ए बी सी डी बाय स्क्वायर हूज डायगोनल्स, हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा ओ पे, ये अपन को गिवन है बच्चों, ये हमें गिवन है। अभी प्रूव क्या करना है तो मैं बता देता हूँ, टू प्रूव कह रहा है कि जो डायगोनल्स है ना स्क्वायर के वो इक्वल हैं, प्रूव करना कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि आपको ए सी बी डी के बराबर प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, एंड ओ बी जो है बेटा ओ डी के बराबर है, और एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री का मतलब है जितने भी एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू, आपको सबको 90 प्रूव करना है। प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे देखो, प्रूफ पे सबसे पहले जो हमने टारगेट किया बेटा ये आमने सामने वाले दो ट्राइंगल, कि इन ट्राइंगल एक तो अपन ने AOB ले लिया एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया बच्चों COD, ठीक है, स्पेस अभी से डिवाइड कर देता हूँ आगे जाके पंगे ना हो, तो अपन ये बोले कि जो एंगल OAB ये वाला बच्चों, ये वाला एंगल ये दिख रहा है सबको, इज इक्वल टू एंगल OCD ये वाले के बराबर है, है क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, स्क्वायर तो दिया ही जो कि पैरेलल ग्राम होता है, तो लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल है ही। दूसरी चीज मैं ऐसे ही बोलूंगा, ये वाला एंगल, दिस वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल आल्सो इक्वल, इसको नाम दिया गया OBA, क्या नाम दिया OBA, और इसको नाम दिया ODC, ठीक है, क्यों, तो आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और देखो इन दोनों एंगल के बीच में आने वाली लाइन AB इज इक्वल टू CD। अब इसका रीजन देना है कि ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर, ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, सारी साइड्स कैसी होती, इक्वल होती, तो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बेटा सीओडी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, तो मैं सीपीसीटी से कह सकता हूं बच्चों, गौर से देखना आप, सिर्फ देखते जाओ, ओबी पहले तो एओ ओसी के बराबर, डायगोनल एसी हो गया बाइसेक्ट, हो गए दो टुकड़े बराबर बराबर, ऐसे ही बाय सीपीसीटी से ही अपन बोल सकते हैं लास्ट के दो ओबी इज इक्वल टू ओडी बोल सकते हैं ना, तो इससे तो हमने डायगोनल्स बाइसेक्ट करा दी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करा दी, ठीक है, डायगोनल क्या हो गए बाइसेक्ट हो गए। अभी बेटा अपन को डायगोनल इक्वल भी कराने हैं और 90 डिग्री पे भी कराने हैं, इक्वल और 90 पे भी कराने हैं, ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं 90 डिग्री बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, पहले अपन 90 को टारगेट करते हैं, इक्वल अपन लास्ट में ले चलेंगे, तो मैंने अब दो ट्राइंगल पकड़े बेटा, ठीक है, अभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करा रहे हैं, तो इन ट्राइंगल मैंने ले लिया बच्चों ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी,
ठीक है, ए ओ बी और सी ओ बी, ये वाले ऊपर नीचे वाले, ओ बी के ऊपर नीचे वाले, ये वाले, ये दो बिंदु लगा दिए, ठीक है। तो पर सीओडी अपन ने यहाँ क्या लिया बेटा, देखो अब इसमें हम कह सकते हैं कि ए ओ जो है, ए ओ वो हमारा किसके बराबर है, ओ सी के। तो आप लिखते ना प्रूफ डब, अब इस वाले ए ओ और ओ सी वाले को इक्वेशन वन डाल देना, इन इक्वेशन वन। अब ओ बी ओ बी अगर हम देखें, नहीं ओ बी ओ बी तो ले नहीं सकते, अपन फंस जाएंगे। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा कि मेरा ए बी जो है ना बच्चों, ए बी, ए बी दिख रहा है सबको, ए बी वो इक्वल टू ए सी है, ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर, ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा तो अब बच्चों सिर्फ आप एक ट्राइंगल ए बी सी देखो, ओ बी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ओ बी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ट्राइंगल ए बी सी भी देखो। तो अगर मैं उसमें बोलूं कि एंगल ओ सी, ओ सी भी नहीं, पहले तो ए वाला साइड लिख देते हैं इधर, कि अपन अगर लिखते हैं इधर बेटा, इधर वाले में लिखते हैं कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। मतलब ये देखो ग्रीन कलर से या किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल, अपन ने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। बताऊं क्यों, देखो बेटा इधर सुनो, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ। तो देखो भैया अब जिसके ऊपर से ये वाला स्टेप बाउंस करे ना, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक और तरीका है, इधर देखो। अब ना आप तीसरा तरीका, अगला तरीका क्या कर सकते हैं, OB is equal to OB common आ जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में, OB OB common आ जाएगा। तो देखो OB OB common है, AO OC के बराबर है, AB BC के बराबर है, तो therefore अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल COB by SSSS congruency rule। तो बेटा by CPCT, by CPCT, CPCT से अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू है बेटा हमारे एंगल COB के। लेकिन अगर आप देखो एंगल AOB और एंगल BO, इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन और टू नंबर डाल देते हैं। तो अगर आप बेटा यहाँ गौर से देखें तो AOB और हमारा जो है क्या बोलते हैं BOC, BOC दोनों ही लाइन AC के ऊपर बन रहे हैं, एंगल यानी लीनियर पेयर है। तो एंगल AOB प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी और बी ओ सी एक लाइन ए सी के ऊपर बन रहे हैं, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, तो लिख देना एज एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ बी के बराबर है फ्रॉम टू, फ्रॉम टू इक्वेशन टू से, ठीक है। तो टू टाइम्स एंगल ए ओ बी, टू टाइम्स एंगल ए ओ बी कितना आ गया 180। तो बेटा एंगल ए ओ बी इक्वल टू आया था 90 जो कि सी ओ बी के बराबर था, वो भी 90 आ गया। तो हम कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं इस वाले स्टेप से कि देयरफॉर डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो ही रहे थे और 90 डिग्री भी आ गया, तो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अभी सिर्फ हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो मैंने कहा कि इन ट्रायंगल, एक तो ले लिया ए बी डी बेटा और दूसरा ले लिया ट्रायंगल ए सी डी। बाद में इसका नेमिंग ना, बाद में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, नेमिंग ये नहीं जाएगा, ठीक है, नेमिंग हमारा ये नहीं रहेगा। तो देखो बच्चों इधर गौर से देखो, तो इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा ए बी जो है, ए बी वो सी डी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर है क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी जो है सी डी के बराबर है क्योंकि ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर, ईस्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल,
स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। दूसरी चीज एडी, एडी दोनों में कॉमन ही आ रहा है, एडी इज इक्वल टू एडी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तीसरी चीज और देखते हैं, गौर से देखना भैया, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी डी की, तो उसका कंप्लीट एंगल ए, ए बी डी, या एंगल बी ए डी लिख देता हूं, एंगल बी ए डी दिख रहा है सबको, बी ए डी यानी कंप्लीट एंगल ए, और मैं एंगल अगर बोल दूं ए डी सी कंप्लीट एंगल डी, कंप्लीट एंगल ए 90 होता है, स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं, तो कंप्लीट एंगल ए 90 और कंप्लीट एंगल डी भी 90 है, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 के। तो मैंने लिखा कि कंप्लीट एंगल ए यानी बी ए डी और इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। आप यहाँ पे ना स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जो प्रूव करनी है उसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपन ने यहां से क्या कह दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब नाम लिखते टाइम थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, हमारा ए कंप्लीट एंगल ए 90 था और कंप्लीट एंगल डी यानी यहाँ डी पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी पहले आ जाएगा। फिर ए बी जो था हमारा सी डी के बराबर था, देखो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, डी सी हो जाएगा, डी सी ए बाय क्या है साइड एंगल साइड बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से बेटा अपन कह सकते हैं, देखो बी डी लास्ट के दो पोजीशन पे, सी ए बी लास्ट के दो पोजीशन पे, तो बी डी इज इक्वल टू सी ए, इस लाइन से पता डायगनल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसको देखें 90 पर उसको देखें तो इक्वल, ठीक है। तो इनको नंबरिंग कर दो, ये डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को, इसको होल को आप नंबर 3 डाल दो, इसको नंबर 4 डाल दो और इसको नंबर 5 डाल दो, तो लिख देना फ्रॉम या यूजिंग 3 4 5, we can say that diagonals of a square bisect, nahi diagonals of a square are equal, diagonals of a square are equal and pehle to equal prove kar diya na, we can say that diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 degree, hence proved. तो आपका ये क्या हो गया, फाइनली प्रूव हो गया, ठीक है।